शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और फिर जब तक घर नहीं होगा तब तक बहनों को बुला नहीं सकता मैं। मैं बुआ जी, इस घर की चाबी तुझे दे दे तो घर भी तेरा हो जाएगा क्या? मेरे पैसे फंसे हुए हैं कहीं, मिलते ही कमरा कर लूंगा। कुछ दिनों तक घर मत आना। अशोक अजीब मूड में रहता है, कभी भी आता है कभी भी जाता है। आप नाराज हो मुझसे? पति है तू मेरा जो बहाने से नाराजगी दिखाऊंगी? कुछ कहा है कर बस, कब आना है मैं बता दूंगी। मुझे यहीं उतार दीजिए, कुछ काम है। गुड डिस्काउंट। या इट्स गुड डिस्काउंट। या थैंक यू। मिस्टर, ये मेरा दोस्त है जॉनी। हेलो। ठीक है मैं अब चलता हूँ। मुझे क्यों मिला ऐसे? दोस्त है मेरा, यहीं पास में रहता है। मैं कब्रिस्तान में इसके साथ चेस। कुछ बताया तो नहीं हमारे काम के बारे में? नहीं, मैंने कहा कि आप मुझे ट्यूशन दिलाने में हेल्प कर रही हैं बस। अच्छा, शरीर के साथ साथ दिमाग भी तेज हो गया। हाँ बंदर, क्या काम था? घर लेना है मुझे। खरीदना है? नहीं, खरीदना नहीं है, किराए पे लेना है। हाँ, ले ले। अरे ले तो लूँ, लेकिन अकेले लड़के को देता कौन है यहाँ? और फिर जब तक घर नहीं होगा तब तक बहनों को बुला नहीं सकता मैं। उसकी फिक्र मत कर, बुला ले अपने बहनों को। घर ही नहीं है तो कैसे बुलाऊँ? कह रहा हूँ ना, उसकी फिक्र मत कर। एक आंटी अपनी भी फ्रेंड है। ये फैमिली कहाँ है? ये तो छड़ा है। क्या बात कर दी आंटी जी, मैं हूं ना, बन गई फैमिली। आजकल तो छड़े भी फैमिली बना लेते हैं। बकवास मत कर जॉनी। अरे नहीं नहीं, दो बहुत प्यारी बहन है, आकर रहेंगी साथ में। बच्चे हुकूम चलाते रहना, हाँ सेवा क्या करेंगी जी। ये किराया कितना है? 3,000। पगड़ी नहीं ले रही हूँ क्योंकि जॉनी लाया है, लेकिन 3 महीने का एडवांस लूंगी। 15 दिन में कमरा खाली हो जाएगा, एडवांस अभी चाहिए। अरे 15 दिन में बहनें भी आ जाएंगी, एक हाथ चाबी दे देना, एक हाथ एडवांस ले लेना। ठीक है जी, नक्की बात। देख जॉनी, हाँ? मेरा कमरा खाली नहीं रहना चाहिए। क्या बात कर रहे हो, नुकसान थोड़ी ना होने दूंगा तुम्हारा, अपना घर है। 15 दिन में फुल एंड फाइनल, नक्की। एक भिंडी ले रहा हूँ आंटी जी। दफा। तू क्या चूतिया है, घर मिला नहीं तो एडवांस देने चला था भाई, समझा नहीं तू शहर को अभी तक। जॉनी भाई, क्या है? थैंक यू। क्या कर रहा है? ओए, तुझसे बात कर रहा हूं। वो मेरा ड्रॉर है। अबे ड्रॉर मेरा है, तूने चाबी लगा के कब्जा किया हुआ है? कब्जा नहीं किया, बुआ जी ने चाबी दी है मुझे। वह बुआ जी, इस घर की चाबी तुझे दे दे तो घर भी तेरा हो जाएगा क्या? फ्री में नहीं रहता हूँ, बुआ जी पैसे मांगती हैं हर महीने। अबे उतना तो तू एक दिन में खा जाता है। छोड़ दूंगा, तेरा घर भी और तेरा ड्रॉर भी। बोल मत, करके दिखा। मना किया था ना आने को?
इतना क्या जरूरी काम है? इतना भरोसा मत कर मुझ पर। और कहाँ रखूं? कोई भी बैंक नहीं ले रहा है। मैं 15 दिन के बाद आके ले जाऊंगा। इस बैंक में तो टैक्स लगेगा। जी दरवाजा खुलने की वेट नहीं कर सकते तो कम से कम मुंह उधर कर लो। तू किधर भाग रहा है? इधर आ। बोल बोल किधर भाग रहा है? बोल। बैठ इधर, चुपचाप बैठ। मुझे लगता था बुढ़िया सनक गई है, कुछ भी पकती है। फिर एक दिन मेरा माथा ठनका, मैंने सोचा कि तूने अचानक ये झिकझिक से क्यों बंद कर दी? ऐसा क्या हो गया एकदम शांत हो गई तू? हैं? तुझ पे शक तो मुझे कई दिनों से था, लेकिन आज तो गई फंस। आज तेरे सारे शौक मैं पूरे करता हूं। ओए, बैठ बैठ और बैठ के सीख। वैसे तो कुछ होता नहीं है तुमसे, इसे देख के हरकत हुई है। रात को घर जाने से डर रहा था। नहीं डरना चाहिए था, क्योंकि खन्ना तो मेरी कब्र कब की खोद चुका था। चाय लीजिए जी। थैंक यू। नमकीन थोड़ी थोड़ी सी। मुकेश सारिका से कुछ पैसे मांगने आया था दोपहर को। कहने लगा बुआ जी ठीक से खाने को नहीं देती, पकड़ मनी भी नहीं देती। जी जितना बनता है अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते ही है जी। इतने दिनों तो ठीक से ही काम कर रहा था, कोई बदतमीजी भी नहीं की। तो सारिका ने बात सुन ली। अब ऐसे बच्चों को थोड़ी सी हमदर्दी दिखाइए तो उसका उल्टा मतलब निकाल लेते हैं। ये तो है जी, ये आजकल के बच्चे मतलब बीजी के सामने कुछ छप्पी वप्पी कोशिश। सस्ती शराब की बू आ रही थी उसके मुंह से, तो सारिका ने धक्का दे दिया। वो तो जैसे पागलों सा हो गया, जबरदस्ती किस बाँ पकड़ ली उसकी, निशान पड़ गया। जी आने दीजिए जी उसको, मैं उसके फूफा। आने मत दीजिएगा, यही कहने आया था। आपके हस्बैंड की प्रमोशन ड्यू है, कहीं ऐसा ना हो कि प्रमोशन की जगह इंक्वायरी बैठ जाए। मुकेश एक घंटे में सामान बांध और निकल जाए यहाँ से। बुआजी कहाँ जाऊँ मैं? मुझे नहीं पता, किसी दोस्त के पास जा, होटल में कमरा कर ले अपनी नई कमाई से। आजादी मिल गई है अब तो, ऐश कर, नए जूते कपड़े खरीद ले। शराब तो तूने शुरू कर ही दी है। बुआजी खन्ना जी ने झूठ बोला है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया,
मैं तो सिर्फ वो सारिका जी के घर गया था। सारिका के बारे में उड़ती उड़ती सबने सुनी है। खन्ना तेरे को क्यों निशाना बना रहा है पता नहीं, लेकिन तू यहाँ रहा तो तेरे फूफा जी, मैं, हम सब जरूर फंस जाएंगे। तू तो भाई बख्शी दे। ट्यूशन मास्टर, क्या हुआ, इधर क्यों लेटा हुआ? और इधर शाम, चल चल चल, अरे आ जा अंदर। रख ले सामान। मॉरिशस मेरी बुआ जी का सन रहता है, हमेशा कहता है अबे तू भी आ जा, बुढ़ापे में कौन जाएगा। जॉनी भाई, मेरे पैसे फंसे हुए हैं कहीं, मिलते ही कमरा कर लूंगा। एक शर्त है, रात को चेस खेल मेरे साथ, फ्री में रह ले जब तक, तेरी मर्जी। हाँ सोनू बोल। भैया आप कब आ रहे हो? 1 तारीख से पहले आ जाऊंगा। क्यों, कुछ हुआ है? नहीं भैया, वो आप जल्दी आ जाओ। आ जाऊंगा, तू बेचैन मत हो, चल बाय। हेलो। हेलो जी, कविता जी, मैं मुकेश बोल रहा हूँ। कौन मुकेश? यहाँ कोई कविता नहीं है। हेलो जी, आप डोंट कॉल मी अप अगेन। हेलो, 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 मिस रीना जी, मैं मुकेश बोल रहा हूँ जी। आपने फोन नहीं किया इसलिए मैंने सोचा कि जी। रॉन्ग नंबर। काजल जी बोल रही हैं, मैं मुकेश बोल रहा हूँ जी। उषा जी, जी मैं मुकेश बोल रहा हूँ। वंदना जी। रॉन्ग नंबर जी, अब से फोन नहीं करूँगा। हेलो सारिका जी, मना किया ना फोन करने को, दोबारा मत करना। जी मैं मुकेश बोल रहा हूँ जी, जी सॉरी। Thank you.
कौन है मम्मा? कुछ नहीं बेटा, कोई एड्रेस पूछने आया है। अच्छा, सॉरी। इट्स ओके। सारिका से मिलना जरूरी था और एक ही जगह थी जहां मैं उससे मिल सकता था। वो और कहीं जाए ना जाए, हर मंडे पार्लर जरूर जाती थी। तू यहां क्या कर रहा है? तू जा अभी यहां से, वो आ रहा है। मारा उसने तुम्हें? नहीं तो क्या, मेडल देगा? मेरी बहनें आ रही हैं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। हाँ भाई, हो गया। चलो। हाँ, कल की अपॉइंटमेंट है। ब्रेकफास्ट। गुड मॉर्निंग। जॉनी भाई। हाँ। मेरा एक काम कर दोगे? क्या? आपको रेलवे कॉलोनी जाना होगा, बसंत लेन में, उसी आंटी के पास। तो तू क्यों नहीं चला जाता? बुआ जी से झगड़ा नहीं करता तो चला जाता। अच्छा, वहाँ बुआ जी ने देख लिया तो? प्लीज। काम क्या? दोपहर में सोना, किस्मत में रोना। देख, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है, तेरे जितने बनते थे सारे तुझे दे दिए। तेरी आंटी ने तो मुझे घर में भी घुसने नहीं दिया, जोर जोर से चिल्लाने लगी, हस्बैंड को बुलाऊंगी। तेरा नंबर दे दिया पुलिस को, तेरे नाम की एनसी निकलवाई हुई है। क्या कर रहा है, मजा क्या मुझे बुढ़ापे में? मेरा धंधा बंद कर दिया, मुझे घर से निकलवा दिया, अब मेरे पैसे नहीं देगी मुझे? साले कुतिया, पैसे नहीं देगी मेरे मुझे? मेरी बात हाँ, क्या समझती क्या है वो? बात सुन। हाँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ क्या? डर लगता है मुझे क्या उससे? हाँ, समझती क्या है वो? होश में आ। क्या कर रहा तू? क्रांति करेगा? पता नहीं तू क्या ट्यूशन पढ़ाता है, पर मेरा पार्ट सीख ले। तू अपना सिम कार्ड निकाल, दे सिम कर दे। अरे दूर हो जाए उन लोगों से, बहुत पैसे वाले लोग हैं, फंसा देंगे। समझता नहीं बात को? सिम कार्ड दे दे, पहले फेंक दे। सिम कार्ड फेंक दूंगा तो बहने फोन कैसे करेंगी?
तो मेरा नंबर दे देना। अगर आपको कोई फोन किया तो? तूने कभी इस फोन को बचते देखा? चल मुझे क्या मुर्दे फोन करेंगे। ले मेरा नंबर दे देना। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, काट के रख दूंगा उसको। फिर वही बकवास, दारू भी खत्म होगी। चला चला, ये शहरी साला गांडू है, सलाने के लिए आगे बढ़ाते हो। ये लो भाई, भरोसा कर रहे, थोड़ी सलाह दो, ये पीछे से लेके चले जाएगा। जानी भाई, हाँ बहनों को नंबर दे आता हूँ। हाँ उनको ज़्यादा कुछ नहीं बताना, टेंशन मत देना उनको। भैया आप ठीक तो हो ना? ये नंबर किसका है? ये एक दोस्त का नंबर है। तुम लोग बाहर हो क्या? इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो? भैया हम वहाँ से भाग आए, हम दिल्ली आ रहे हैं। भाग आए हो मतलब? अरे पागल हो गए हो क्या? हो क्या रहा है वहाँ पर? भैया मैं आपको सब आके बता दूंगी। अरे बच्चे हो क्या तुम लोग? हाँ अरे बोला था ना कुछ दिन रुकने को। भैया प्लीज डांटो मत, वो वार्डन। क्या किया वार्डन ने? सोनू क्या किया वार्डन ने बता मेरे को। वो वार्डन छोटी के कमरे में पी के घुस गई थी। भैया मैं कल आके आपको सब बता देती हूँ, मैं स्टेशन से आपको। सोनू सुन, देख अपना ख्याल रखना ठीक है? पैसे है ना तुम लोगों के पास? जी भैया पहुंचते ही फोन करना, मैं लेने आऊंगा। जी ले खींच ले। जॉनी भाई हाँ? कुछ पैसे उधार दे सकते हो? हाँ? मैं जल्दी लौटा दूंगा आपको पैसे। हाँ? मेरे पास पैसे होते तो मैं कब का मॉरीशस चला गया होता। मास्टर मुर्दों के लिए काम करता हूँ, एक मुर्दा एक वक्त का खाना है। कम से कम इसलिए जिंदा हूँ कि हर रोज लोग मरते हैं, नहीं तो कब का कट लिया होता। मॉरीशस रेत खुला तो जवान है, तुझे बहुत चांस मिलेगा। भाई जरा एक मिनट रुकियो। पहली रात है इसलिए साथ है। कल से अपने आप एरिया बदल लियो, डरियो मत। चल करना है। पहले मैं जाऊं। पैसे कितने मांगू? 2000, इससे कम मत लियो। दर्द की दवा है पी ले। और पी ले, मर्द को भी दर्द होता। पी पी पी।
चल तू जा, धंधा शुरू, जा। जाएगा? हाँ। कितने देगा? अरे चल तो सही। बधेरी चेक कर ली, आज चिकने नहीं चेक कर लो। तीन लोग हो फिर क्या टिक्का करेगा तू? तीन लोगों के पैसे लगेंगे। हैं? तीनों के मिल जाएंगे। हाँ। पर एक बार तू रेंता अरे ए भाई साहब बुला रहे हैं, डर क्यों रहा है? क्यों पहली बार गुल्लक पड़वाऊंगा के? एक के 2000 लगेंगे। हैं? यहाँ का यही रेट है। यहाँ का? लाइट में खड़ा है तू? घेरे से भीतर। मेरे ससुर भाई साहब से जुबान लड़ा रहा है तू? पहले पैसे दो। बेटी चोर के मारूंगा ठुड़। ओले इधर ओले। ओले अंदर। जाने दो मुझे। मेरा ससुर बिलायती हो रहा है। उतारो मुझे। अरे बैठ जा ससुर। दरवाजा खोलो। रोको गाड़ी। मुकेश क्या हुआ? दिखा दिखा क्या हुआ? देख मुझे पूरी स्टोरी पता नहीं क्या है, ये सब छोड़ दे, भूल जा सब कुछ, नए सिरे से शुरू करते ना। मैं अपने हक का तो छोड़ूंगा नहीं जॉनी भाई।
लीजी। लीजी। सिर फिर गया है तेरा। क्या चाहता है? तेरे इश्क में नहीं आया हूं, मेरा काम बंद हो गया है। तेरा काम? बताया तो तेरे दोस्त को। किसने कराया? तुझे क्या लगता है? खन्ना ने। क्यों? उसे ना तो काम के बारे में कुछ मालूम था और ना लड़कों। लड़के और भी थे। और भी थे। आखिरी बार पूछ रहा हूं, पैसे कहां हैं? अलमारी में 2000 पड़े हैं। बीजी को छोड़ दे, पैसे ले और चलता बन यहां से। अगली बार नजर आया तो अशोक इंतजार कर रहा होगा तेरा। भीख मांगने नहीं आया हूं, मेरे अपने पैसे चाहिए मुझे। हाँ तो जिसने लिए उसे जाके पूछ। तेरे पति से? जितने तूने इतने दिन अपनी मरा मरा के कमाए अशोक एक दिन में कमाता है। अपने दोस्त से जाके पूछ। साला शक्ल से चोर नजर आता था। झूठ मत बोल। अरे झूठ मत बोल, झूठ मत बोल। इतने दिन कुछ नहीं सीखा ना मुझसे सेक्स के अलावा? चल मेरी बात मान, थोड़ा टाइम वेट कर ले, काम फिर से शुरू हो जाएगा। अभी निकल यहाँ से, अपनी बहनों के बारे में सोच कम से कम। अरे नहीं दसना तेरे इस कीचड़ में वापस। मुझे मेरे पैसे चाहिए आज और अभी। सारे का दरवाजा खोल। प्लान बनाते टाइम ये सोचा था? दरवाजा खोल। सारिका मुझे पता, अंदर कोई है, दरवाजा खोल दे। सारिका दरवाजा खोल दे, नहीं तो पूरी कॉलोनी इकट्ठा करूंगा मैं आज। सारिका दरवाजा खोल, आज पूरी कॉलोनी तेरा तमाशा देखेगी। मुकेश मेरे पास है। सारिका मुझे इज्जत की परवाह नहीं है, आज तेरी इज्जत का कमाल निकालूंगा मैं। चाकू मार मुझे। क्या? जान से नहीं मारना, सिर्फ टच करना है। सारिका, सारिका दरवाजा खोल देने तो तोड़ दूंगा मैं। सारिका दरवाजा तोड़ दूंगा मैं बोलता हूं। हम दोनों को मार देगा वो। साथ मरेंगे। सारिका मैं बोलता हूं दरवाजा तो। जॉनी, जॉनी भाई, जॉनी भाई, जॉनी भाई,
जाने पर हेलो हेलो मुकेश बोल रहा हूँ जॉनी है कौन कार्पो हाँ वो तो कट लिया मॉरिसस लंबा आदम मारा साले ने हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए आप कहाँ हो भैया भैया कितनी देर से वेट कर रहे हैं स्टेशन के बाहर आप आ रहे हो ना तुम लोग वहीं ठहरो मैं आ रहा हूं आज बक्कल तारे हैं तेरी खड़ा जगह बैंड चौध
ओए, ओए! We'll be right back.